सीएम धामी भी आज यहां पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे और लोगों से मदद करने लोगों से मिलने वाले हैं। वहीं केदारनाथ से अगली बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें यहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 6 दिनों में मोर्चे पर रेस्क्यू कर्मी लगातार यहां पर मौजूद हैं। 11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं रेस्क्यू में बचाए गए कर्मियों को पुरोहित और गांव के आम लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ गुप्त काशी और सोनप्रयाग में पांडा पुरोहितों द्वारा अपने सड़क के किनारे नजदीकी गांव में श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ठहरने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है पंडा पुरोहित और सेना के जवानों को अपने बीच पाकर यहां यात्रा पर आए तीर्थयात्री भावुक होकर इन तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सुविधाएं जो है आम लोगों की ओर से की गई है। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आपदा में ये तमाम लोग जो है ये फंसे हुए थे। इसके साथ साथ इनकी मदद लगातार यहां पर की जा रही है और लोकल नेटवर्क जो है पांडा पुरोहित जो है वो यहां पर पहुंचे। सेना भी लगातार इन लोगों की सहायता करते हुए नजर आ रही है और तस्वीरें लगातार आप देखते चलिए। आपदा में फंसे हुए तीर्थयात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था कराई और पुलिस प्रशासन 6 बजे से और रात की 6 बजे से यात्रियों की जो भी राहत कार्य यहाँ पे होना चाहिए था वो कर रहे हैं और शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे आपदा सामग्री भी बांटी गई और अब ये राहत कार्य अंतिम चरणों में है। मात्र अब केदारनाथ की स्थिति ये है कि यहाँ पे मात्र 50 यात्री बचे हुए हैं और जैसे ही मौसम साथ देगा ऐसे ही जो है यात्रियों को नीचे पहुँचाया जाएगा। और मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करूँगा कि पूर्व की भांति पुनः जल्दी से जल्दी जो है केदारनाथ की यात्रा जो है आरंभ हो। जय श्री केदारनाथ। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सचिन, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ में जिस तरीके से यह हादसा हुआ था उसके बाद वहां पर भी तमाम लोग फंसे हुए थे, इनको निकालने के लिए किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है और लोकल नेटवर्क वहां पर जो मौजूद है वो भी लगातार इन लोगों की सहायता करते हुए नजर आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार से जो है जो लोकल पंडा पुरोहित हैं, जो वहां पर पंडा समाज है, वो लगातार जो है जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए थे उनके लिए जो है खाने की पूर्ण व्यवस्था करी हुई है। जगह जगह सड़कों पर कैंप लगाया जा रहा है ताकि कोई श्रद्धालु जो है भूखा ना रहे। इसको लेकर लगातार जो है वहाँ के लोकल लोग जो लोकल स्थानीय हैं वो कार्य कर रहे हैं। जब से आपदा है तब से वहाँ पर ये कार्य चल रहा है। फिर जो लोकल स्थानीय लोग उनमें जो है सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है, सरकार के साथ साथ सेना का भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वहाँ पर सेना लगातार काम कर रही है, पुल बनाने का काम कर रही है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, SDRF की टीमें भी काम कर रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को ज्यादा इन चीजों का पता होता है कि कहाँ से क्या चीज होनी है, कौन सा जो रूट बनाया जाएगा वो कहाँ से बनाया जाएगा, क्योंकि लोकल जो लोग होते हैं उनको जो जंगल होते हैं या रास्ते होते हैं उनको इस चीजों का ज्यादा पता होता है। वही मदद के लिए लगातार वहाँ के लोग आगे आ रहे हैं। सरकार के साथ साथ जो है जो लोकल लोग हैं या सेना के जो लोग हैं उनके साथ NDRF के साथ जो है लोकल जो स्थानीय जो केदारनाथ के जो लोग हैं वो लगातार पंडा पुरोहित तमाम जो लोग हैं वहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। जी सचिन, जिस तरीके से 6 दिनों से ये पूरे के पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये चलाया जा रहा है और लगातार चाहे आम लोग वहां पर जो मौजूद हैं वो भी इसमें सहायता कर रहे हैं, आर्मी भी इसमें सहायता करती हुई नजर आ रही है, कितने लोग अभी वहां पर मौजूद हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना अभी बाकी है, उनको निकाला जाना बाकी है, इसी के साथ साथ ये पूरा ऑपरेशन जो है ये कब तक खत्म हो जाएगा? सचिन, आज उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है स्वयं जो है अभी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और आज ही जो उम्मीद की जा जी सचिन।